यारियां जो है वो एक बहुत ही फन फिल्म है, यूथ पे है जैसे सबको मालूम है। और जो मूवी है वो इट टॉक्स अबाउट अ ग्रोथ ऑफ अ यू नो अ यंग पर्सन फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड टू टर्निंग इनटू एन अडल्ट। वो कैसे अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज करता है टुवर्ड्स हिज नेशन, टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स हिज लव एंड अ लॉट मोर। और मूवी में सब कुछ है, दिस फन, मस्ती, ड्रामा, फ्रेंड्स, इमोशन, यू नो एक जो टुगेदरनेस होती है। सो बेसिकली यू लाफ थ्रू द फिल्म। यारिया इज ऑल अबाउट एक्चुअली यू नो कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ। और कॉलेज लाइफ में जब हम लोग ग्रुप में होते हैं, जब हम लोग हमारे दोस्त के साथ होते हैं, तब लड़ना झगड़ना, हंसी मजाक, नौटंकीबाजी, ड्रामेबाजी सब होता है। सो यू नो इट्स एन मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे सर पे टीचर्स होते हैं, वो हमारे को ज़्यादा मस्तियाँ करने नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारी टीचर थी ना, हमारी डायरेक्टर दिव्या जी, उन्होंने हमारे को फुल परमिशन दिया मस्ती करने की। तो हमने दिखाया है कि कॉलेज के अंदर मस्ती कैसे कर जा सकती है, बंक कैसे कर सकते हैं और लड़कियाँ कैसे पटा सकते हैं। इन्होंने मुझे रुलाया, जैसे आपने ट्रेलर में देखा है, मैं बहुत सीधी सादी, मेरा जो कैरेक्टर है सलोनी का, वो बहुत सीधी सादी लड़की है, इनोसेंट है, और ये बहुत ही शैतान और कैसानोवा टाइप का लड़का है। तो आप सोच सकते हैं क्यों रुलाया होगा। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आपको 10 जनवरी को मूवी देखनी होगी जानने के लिए कि इसने इस बेचारी लड़की को क्यों रुलाया। उसकी ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम चल रही है जिसे बोलते हैं हार्मोनल लोचा, जो सिर्फ मेरे साथ नहीं चल रही है, आई थिंक मेरे यारों के साथ भी चल रही है। नहीं, ये तो लड़की है, इनके साथ नहीं होगी, वो सिर्फ लड़कों के साथ में होती है। तो वो प्रॉब्लम चल रही है और ऐसी प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं आधे लोगों के बाल उड़ जाते हैं, आधे लोगों के बाल कुछ ज़्यादा उग जाते हैं, आधे खड़े हो जाते हैं बाल थोड़े, बिल्कुल, तो ये आधे नॉर्मल रहते हैं। तो ये कुछ एक अजीब सी ही बीमारी सी है ये कुछ है, जिसके अंदर आपको लड़कियाँ कभी कभी कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगने लग जाती हैं और कभी कभी कुछ ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं। तो हमने आई थिंक उसको एक बहुत ही क्यूट वे में प्रेजेंट करके दिखाया है कि हार्मोनल लोचा एक्चुअली में वाहियात नहीं, बहुत क्यूट भी हो सकता है।